सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा इंट्रोडक्शन के बजाय अगर आपको डायरेक्ट टॉपिक की तरफ लेके जाए तो कैसा होगा। बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने पहले भी 10-12 मिनट की वीडियो देखी है इस टॉपिक की, पर फिर भी आपका काम नहीं हुआ। उसके बाद आप इस 2 मिनट की वीडियो पर आए हो, 2 मिनट की भी नहीं, 1.5 मिनट की समझ लो, इस पर आए हो। और इस वीडियो पर इसलिए आए हो कि शायद हमारा काम हो जाए। तो इस वीडियो पर इसलिए जब आए हो तो आपका काम ज़रूर होगा, गारंटी के साथ होगा। ये ऊपर लिंक मैंने पेस्ट किया, डायरेक्ट काम समझाना चाहता हूँ क्योंकि आप पहले से गुस्से में। ये ऊपर लिंक मैंने यही वाला लिंक पेस्ट किया है, ये फर्स्ट में आ रहा है हाई रेवेन्यू, यही वाला फिर दोबारा देखना, यही लिंक वर्क करेगा इस ट्रिक के बाद। तो क्रोम में तो आप आ ही गए होंगे, आपने चले चले 3 लाइन्स के ऑप्शन पर। 3 लाइन्स के ऑप्शन पर जाने के बाद आपने नीचे ये सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना और ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दिख रहे हैं। इसके बाद बस आपके सारे काम ख़त्म। ये आपने ये क्या यूज सिक्योर DNS, इस पर क्लिक कर देना है। और ये चूज अनदर प्रोवाइडर, जाइएगा मत, यहाँ पर क्लिक करके कस्टम में डाल। लोग को बहुत से वीडियो कहते हैं कि कस्टम में करना है, लेकिन आपने कस्टम में नहीं करना है, इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनको पता होता है कि आपने ये इसमें अगर कर लो तो ये हो जाएगा, पर फिर भी वो आपको बताते हैं कि कस्टम में करना है। ये मैंने ओपन DNS पे कर दिया, वही टाइम देखिए, टाइम वही सेलेक्ट है, आपने चले जाना है बैक, वही लिंक मैं रिफ्रेश करके बताऊंगा। और ये देखिए फिर ये कैसे वर्क करते हैं, ये देखिए रिलोड पर क्लिक कर दिया मैंने और ये देखिए लिंक काम कर गया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही नॉलेजेबल और रियल वीडियोस देखने के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।